पेगासस मामले पर मोदी सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। जहां सरकार पेगासस पर संसद में चर्चा तक से बच रही थी, वहीं अब देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार से मामले पर जवाब मांगा है, जिसे विपक्ष अपनी बड़ी कामयाबी के रूप में देख रहा है। वहीं कोर्ट का फैसला भी विपक्ष के आरोपों पर कहीं ना कहीं मुहर लगाता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। पेगासस जासूसी मामले में आरोपों पर मोदी सरकार से संसद में जवाब देते नहीं बना और सरकार लगातार आरोपों को गलत बताकर विपक्ष की चर्चा की मांग को नजरअंदाज करती रही, जिसकी वजह से विपक्ष हंगामा करता रहा और संसद का सत्र हंगामे की ही भेंट चढ़ गया। मगर अब देश की शीर्ष अदालत ने पेगासस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर ही जवाब देने का निर्देश दिया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि पेगासस मामले पर विपक्ष सरकार पर कोई अनर्गल आरोप नहीं लगा रहा था। बता दें कि केंद्र सरकार ने कल ही सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पेगासस जासूसी के आरोपों में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह इस मामले के सभी पहलुओं के निरीक्षण के लिए प्रमुख विशेषज्ञों की एक समिति बनाएगी। सरकार ने इस मुद्दे के काफी तकनीकी होने का हवाला देते हुए कहा था कि इसके सभी पहलुओं की विशेषज्ञों द्वारा जाँच की जरूरत है। इस दौरान सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे थे, जिन्होंने पीठ को बताया कि विशेषज्ञों की समिति से इसकी जाँच की जरूरत है, यह बेहतर तकनीकी मुद्दा है, हम इस क्षेत्र के प्रमुख तटस्थ विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे। वहीं जासूसी के आरोपों की जांच को लेकर याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि सरकार का हलफनामा यह नहीं बताता कि सरकार या उसकी एजेंसियों ने जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं, जिससे पता चलता है कि सरकार जरूर कुछ छुपा रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।